डीएससीपी का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन, वो भी डोरा प्रोसेस कैसे सर्वर और क्लाइंट के बीच में काम करता है लाइव, इसको हम लोग देख लें अगर, तो इजिली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि डीएससीपी एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ये इंटरव्यू के भी आपके लिए या एग्जाम के लिए या इंडस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोगों को डीएससीपी सर्वर और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखेंगे, साथ में डोरा प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है मैं लाइव मॉनिटर करके दिखाऊंगा, एंड वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली डीएससीपी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक कर देना इस वीडियो को ताकि मोटिवेशन मिले, और नेक्स्ट वीडियो मैं हैकिंग पर आप लोगों के लिए पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डोरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, और डीएससीपी में कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पे देखो, हमारे पास एक सिस्को का राउटर है, हमारे पास सिस्को का स्विच है, और यहाँ पे कुछ क्लाइंट मशीनें हैं। इन सभी मशीनों को हम लोग क्या करेंगे, लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं। तो सारी मशीनें हमारी लाइव हैं। यहाँ पे विंडोज 7 एक पीसी है, मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे क्लाइंट 2 पीसी है, मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो क्लाइंट 2 पे क्लिक किया, ये भी हमारा ऑन हो गया, एंड सर्वर को भी, सॉरी यहाँ पे डीएससीपी राउटर जो कि मैं एज अ डीएससीपी सर्वर यूज़ करने वाला हूँ, इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा सर्वर, ये राउटर ऑन हो रहा है, इधर हमारा क्लाइंट है, और फटाफट फिर हम लोग यहाँ पे कन्फिगर करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं राउटर पे, और यहाँ पे हमें कुछ कन्फिग्रेशन करनी है। तो राउटर हमारा ऑन है, इनेबल कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे। डीएससीपी को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें इस इंटरफेस पर, यानी राउटर के इंटरफेस पर जो FA0/0, इस पर एक आईपी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस स्पेस F0/0, इस पर एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ, जो कि मेरा आईपी एड्रेस है, स्पेस देना है आईपी एड्रेस 10.0.0.1/255, जो भी आप नेटवर्क आईपी देना चाहते हो दे दो। इस पोर्ट को नो शट डाउन करना है ताकि पोर्ट प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाए। ऑन हो जाने के बाद जस्ट एग्जिट कर देना, हमारा आईपी पे, सॉरी इंटरफेस पर आईपी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चेक करने के लिए प्रीवियस की हमारा क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे 100 IP (interface) brief एंड एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या आईपी है। तो यहाँ पे FA0/0 जिस पर 10.0.0.1 आईपी है, और ये पोर्ट अप हो चुका है। बस काम हो गया आपका। अब सेकेंड पार्ट हमारा डीएससीपी का कन्फिग्रेशन आता है। डीएससीपी कन्फिग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आईपी डीएससीपी पूल, एंड यहाँ पे एक पूल बनाना पड़ेगा। पूल इन द सेंस कि क्या नेटवर्क आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कोई भी एक नेटवर्क रेंज आप ले लें, मान लिया मैं नेटवर्क या नेटवर्क 1 बना दिया, और पूल का नेम यहाँ पे नेटवर्क 1 हो गया। इसके अंदर मैं नेटवर्क ऐड कर देता हूँ, 10 की रेंज में मेरा नेटवर्क है, तो ये 10.0.0.0 कर देंगे ताकि उस नेटवर्क में पूरा आईपी एड्रेस असाइन हो। एंड इसका एक डिफ़ॉल्ट राउटर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो कि 10.0.0.1 है, ये गेटवे का काम करेगा। यानी इन क्लाइंट को जो भी डीएससीपी से आईपी मिलेगा, उसका जो क्लाइंट आईपी होगा वो हमारा क्या होगा, गेटवे आईपी जो होगा वो हमारे राउटर की आईपी होगी। बस इतना काम हो गया। जस्ट आप यहाँ पे इस तरीके से अगर नो मिसमैच और ये सब ऑप्शन आता है, तो सिंपल आप यहाँ पे नो सीडीपी डिसेबल कर सकते हैं, बट रहने दें, उससे कोई इश्यू नहीं है। एंड फाइनली मैं यहाँ पे अगर डीएनएस सर्वर भी अप्लाई करना चाहूँ तो डीएनएस सर्वर की आईपी दे देंगे, हमारे पास अभी डीएनएस सर्वर नहीं है। एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद आईपी डीएससीपी और यहाँ पे एक्सक्लूडेड एड्रेस। अब मान लिया कि आप चाहते हो पर्टिकुलर 10.0.0.1 से लेके 10.0.0.10 तक की जो आईपी है, ये मैं मैन्युअली अपने कंपनी के कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर पीसी हैं, सर्वर हैं, उन पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप रेंज अप्लाई कर सकते हो कि मैं 10.0.0.100 से मैं अप्लाई कर देता हूँ एक्सक्लूडेड एड्रेस, क्वेश्चन मार्क लगाइए, तो फिर कह रहा है कि हाई आईपी एड्रेस। तो मैं 10.0.0, फॉर एग्जाम्पल मैं 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.100 तक अप्लाई करके एंटर कर देता हूँ, यानी कि 100 तक आईपी किसी को नहीं मिलेगी। 2 से लेकर 100 तक आईपी किसी को नहीं मिलेगी, आप मैन्युअली आप किसी को भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे क्लाइंट मशीन पर मैं आ गया, अब इस क्लाइंट मशीन पर 100 IP अगर मैं चेक करूँ, तो अभी यहाँ पे कोई भी आईपी असाइन नहीं है। मैं इस क्लाइंट मशीन को मॉनिटर कर लेता हूँ, तो कैप्चर करते हैं ETH 0/0 और इसको वायरशार्क के थ्रू रन कर लेते हैं। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 10.0.0 या इस क्लाइंट मशीन को मैंने मॉनिटर पे लगा दिया, आपका ये वायरशार्क रन हो जाएगा। मेरा वायरशार्क यहाँ पे रनिंग में है, मैं दिखाता हूँ, या आप देख सकते हैं।
और इस स्पेसिफिक इस इंटरफेस को ये हमारा मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा। और मॉनिटरिंग हम वायरसार्क से ही करेंगे। वायरसार्क पर आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि इसकी पूरी सीरीज लेकर आओ, बट ऐसे नहीं, इसके लिए मुझे प्रॉपर लैब कन्फिगर करना पड़ेगा, तो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हो गया, हमारे कंप्यूटर से कोई भी तरीके का मैसेज नहीं जा रहा है, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे आईपी स्पेस डीएससीपी एंड एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखना डोरा प्रोसेस रनिंग में, आप देख सकते हो डीएससीपी ये पूरा प्रोसेस रनिंग में है, और डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट इधर पूरा प्रोसेस हो गया, और यहाँ पे हमारे क्लाइंट मशीन को एक आईपी भी मिल गया। ओके, एक क्लाइंट मशीन को आईपी मिल गया, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, बस इतना ही है। मॉनिटर हमारा हो गया, देख सकते हो डिस्कवर भी हुआ, ऑफर भी हुआ, रिक्वेस्ट भी हुआ, एक्नॉलेज भी हुआ। अभी इतना ही नहीं है, अभी इसको मैं और डिटेल में मॉनिटर कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्लाइंट मशीन पे आ जाता हूँ जो कि विंडोज 7 का एक लाइव मशीन है, इधर भी मैं देख लेता हूँ क्या है। एंड यहाँ से लोकल एरिया कनेक्शन को इनेबल करेंगे, एंड यहाँ से प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप एक बार आईपी वर्जन 4 पे सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी ओपन कर लेंगे, एंड यहाँ से ऑप्टेन आईपी कर देंगे। ऑलरेडी हमारा ऑप्टेन है, तो मतलब इसको भी आईपी मिल चुका होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, आईपी दे देने के बाद, मतलब ऑप्टेन आईपी कर लेने के बाद जस्ट इसको क्लोज कर देना है। एंड क्लोज करने के बाद यहाँ से डिटेल चेक करो, तो हमारे पीसी को भी यहाँ पे कोई आईपी नहीं है। सो डोंट वरी, मैं यहाँ से एक बार इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब डिसेबल करने के बाद मुझे एक बार इनेबल करना होगा ताकि प्रॉपर आईपी रिक्वेस्ट ले सके यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लोकल एरिया कनेक्शन 1 है ये, इसी को मैं इनेबल कर लेता हूँ। एंड अब ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे जाएगा, सेम इधर भी वही प्रोसेस चलेगा, मैं इधर भी मॉनिटर कर सकता बट ऑलरेडी मॉनिटर है। और फिर देखते हैं इस मशीन को क्या आईपी मिलती है, उसके बाद जो एक्सक्लूडेड एड्रेस है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और डिटेल में। तो इधर हो गया, जस्ट इस पे डबल क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं, इस पे आईपी क्या है, या इसका कमांड प्रॉम्प्ट आप यहां से ओपन कर लें। और मैं अभी इधर क्लोज कर देता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा इधर ओपन हो रहा है। एंड यहां पे मैं टाइप करूंगा आईपी कॉन्फिग एंटर। सो यहाँ पे विंडोज़ आईपी यहाँ पे देख सकते हो 10.0.0.102 मिल चुका है, और हमारा गेटवे जो है 10.0.0.1 है। इस क्लाइंट मशीन को जो आईपी मिली हुई है वो मैं 100 स्पेस आईपी से दिखा देता हूँ। इधर 10.0.0.101 है क्योंकि 100 तक आईपी मैंने एक्सक्लूड कर दिया था ताकि वो किसी को ना मिले। और एक बार हम अपने क्लाइंट मशीन और इन सब पे तो आ गए, एक बार राउटर पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा राउटर है वो क्या क्या आईपी सबको दे रखा है। इसको चेक करने के लिए आप राउटर के प्रिविलेज मोड पर आ जाएंगे, 100 स्पेस आईपी स्पेस डीएससीपी स्पेस एंड डेटाबेस एंटर। तो यहाँ पे कोई भी अगर डेटाबेस नहीं है, नो इशू, डेटाबेस के अलावा भी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, बाइंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डेटाबेस इम्पोर्ट, पूल, रिले, सर्वर। तो अगर मैं यहाँ पे सर्वर चेक करूँ, एंटर कर दूँ, सॉरी सर्वर क्वेश्चन मार्क स्टेटस जो भी है एंटर कर दिया, तो ये कितने को आईपी मिला, डिस्कवरी प्रोसेस क्या हुआ, एवरीथिंग सब कुछ ये यहाँ पे दिखा देगा। इवन देन इतना ही नहीं, आप बाइंडिंग चेक कर सकते हैं एंड एंटर, सॉरी यहाँ पे सर्वर से पहले ही आपका बाइंडिंग है, एंटर कर दिया, तो हमारे 101, 102 ये दो आईपी मिल चुकी है, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है आप देख सकते हैं, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ से मैं फिल्टर लगा देता हूँ। फिल्टर लगाने के बाद जस्ट मैंने एंटर किया और ये आप देख सकते हो आपका एक 00 आईपी सोर्स रिक्वेस्ट हुआ और डीएससीपी यहाँ से डिस्कवर हुआ। डिस्कवर के बाद ऑफर में आपको 101 आईपी ऑफर करी गई है ना, जो डेस्टिनेशन यानी कि जो हमारा क्लाइंट मशीन है, उसके बाद ये ऑफर प्रोसेस चला, उसके बाद रिक्वेस्ट प्रोसेस हुआ, एंड देन यहाँ पे आपका फाइनली रिक्वेस्ट 101 हो गया। 101 क्लाइंट को आईपी मिली हुई है, मैंने आपको दिखाया। इसका थोड़ा सा और डिटेल चेक करना चाहते हैं तो फ्लो ग्राफ चेक कर सकते हैं। फ्लो ग्राफ में आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे जस्ट इसको लिमिट कर दें और यहाँ पे देख सकते हैं 68 और 67 पोर्ट ये दोनों क्लाइंट और सर्वर के लिए काम करता है। डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट फाइनली मिल गया, और एक्नॉलेजमेंट में जो आईपी मिली हुई है आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए ये डिटेल्स है हमारा। ओके, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 101 का मिला हुआ है। तो ये डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस रहा, ये पूरा आप इस तरीके से लाइव मॉनिटर कर सकते हैं और यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कैसे काम कर रहा है। एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस यही डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट का होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, एंड लाइव आपने देखा कि यहाँ पे डिस्कवरी प्रोसेस और ये सब चीज़ें काम करता है। फाइनली वीडियो को एंड करते हैं, और भी आपको कोई डिमांडिंग वीडियो चाहिए सब चीज़ें तो कमेंट करके पूछ लो, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।